लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करो न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल। सिर्फ ये फिल्म तक
देखते हैं, हम यहाँ पर मीडिया हाउसेस के विजिट करा रहे हैं, ठीक है, फिल्म सेट्स पे लोगों को लेके जा रहे हैं, ठीक है, नॉलेज भी शेयरिंग हो रहा है और एक्सपीरियंसेस भी शेयर हो रहे हैं। जैसे नितिन कक्कर है, उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो वो आके यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि फिल्म करते हैं उनको क्या दिक्कत है, किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, ठीक है। एक फिल्म बनाना मतलब इट्स नॉट ए इजी टास्क, ठीक है, उसमें काफ़ी मैं तो कहता हूँ मतलब ये एक बोलते ना एक बड़ा टास्क एक पहाड़ चढ़ने से मतलब कम नहीं है, तो उतनी मेहनत करनी पड़ती है उसमें। नितिन गुप्ता जी जैसे लोग आएंगे यहाँ पर, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, वैसे ही जैसे सिनेमा टीवी के क्रिएटिव ग्राफिक्स हेड है वो भी यहाँ पर आ गए, वो भी जो ग्राफिक्स है पोस्ट प्रोडक्शन है उसमें क्या मेहनत की जा सकती है, या रजनीकांत जो कंटेंट क्रिएटर है वो निधि साहू जी है, तो वो भी आ रहे हैं, उनका भी फास्ट एक्सपीरियंस 6 साल का आज ही करके रह चुका है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ संतोष जी, उमेश जी, अनिका जी और पूरी टीम को, क्योंकि इस टाइप का वर्कशॉप मेरे ख्याल से न्यू मुंबई में शायद पहली बार हो रहा है। और सबसे अहम बात इसकी ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई बार हम हमारी इंडियन मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा ये होती है कि हमें फ्री की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं कुछ भी अगर फ्री मिल जाए, एक के ऊपर एक फ्री वगैरह, तो हम पहले वहाँ जाते हैं और ग्रैब करते हैं उस अपॉर्चुनिटी को। बट जोक्स अपार्ट, ये बहुत ही अहम वर्कशॉप है। अगर आप किसी भी मीडिया से रिलेटेड कोई फील्ड में आप अगर आपकी इच्छा है, आपको पसंद है, आपका उस तरफ झुकाव आपका है, तो और अगर आप आगे चलकर उसको अपने पैशन को करियर बनाने की इच्छा रखते हैं, तो ये एक आई ओपनर कहो या फिर मार्गदर्शिका बोलो, ये हो सकता है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें पता तो होता है कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये पता नहीं होता। तो ये कैसे वाला जो मामला है वो शायद यहाँ आपके उसको उसके सॉल्यूशंस आपको मिल पाए, या तो सॉल्यूशन नहीं मिले तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे इस चीज़ में कितना ज्ञान है, कितना मुझे आगे चलकर करना है और मैं कर पाऊँगा कि या नहीं। कई बार ऐसा मुझे ऐसा लगता था बचपन की मुझे पायलट बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, लेकिन मैं नहीं बना बिकॉज मुझ में नहीं था। मुझे पायलट में प्लेन चलाना अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं पायलट बन जाऊँगा। अच्छा लगना और हकीकत में वो चीज़ आप में होना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। या मुझे होटल निकालना है और मुझे कुकिंग आता नहीं है, तो मुझे मैं अनफिट हूँ उस रोल के लिए, तो मैं ऐसा मुझ में क्या है ताकि मैं आगे चलकर मेरे पैशन को, मुझ में जो हुनर है उसको मैं आगे चलकर उसको अच्छे प्रोफेशन में तब्दील कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आज के युवाओं में काफ़ी सवाल होते हैं उनके मन में कि अभी क्या करें, तो इसका एक आपको उसका जवाब मिल सकता है, या फिर आपको एक अवेयरनेस आ जाएगा कि आप कितने पानी में हो और आगे चलकर आपको क्या करना है। तो मेरी यही गुजारिश है सारी नवी मुंबई के लोगों से कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका इस बिल्कुल मत गवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें ताकि आपको एक रास्ता नज़र आए कि आप आगे कैसे बढ़ सकें। मुझे तो पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मुझे उन बच्चों को, उन यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बना था, एक मोटिवेटर बना था कि आप खुद अपने आप को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो और यहाँ पे आओ, इस प्लेटफॉर्म में गेन करो नॉलेज, अपने आप को पहचानो कि आप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि नवी मुंबई के लिए ये बहुत बड़ा और अच्छा अनाउंसमेंट है। बच्चे जो यंगस्टर्स हैं जो एस्पायर कर रहे हैं अच्छा करियर फिल्म मेकिंग में या फिल्म इंडस्ट्री में या मीडिया में, तो मुझे ये लगता है कि फिल्म नेशन का यहाँ पे रोल वो रहेगा कि स्किल सेट जो है हर इंडिविजुअल का
वो आइडेंटिफाई कर पाएगा बच्चा या जो कैंडिडेट्स है वो अपना हुनर समझ पाएगा कि मैं इसमें स्पेशलाइज कर सकता हूँ, मेरा एक्सपर्टीज इसमें है, तो फिल्मनेशन के थ्रू मेरे ख्याल से ये एक एडवांटेज उनको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि फ्री वर्कशॉप है, बहुत सारे सिलसिले ऐसे होते हैं कि पैसा लेते चार्जेस लेते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, और फिर शायद से बहुत सारे बच्चे गुमराह भी होते हैं, यहाँ पर उसका कोई गुंजाइश होती होगी नहीं। अगर आपने देखा होगा एक मूवी, मुझे याद आ रहा है अंदाज़ अपना अपना, जिसमें महमूद फिल्म डायरेक्टर का रोल, मतलब फोटोग्राफी का उसका काम होते थे, वो फोटोग्राफी का रहता है, लेकिन सलमान खान को ये सपना दिखाता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा स्टार बनाऊंगा। ठीक है, पहले सलमान खान के दादा को कहीं भेज दिया लेकिन आज तक कभी मूवी में आए नहीं। तो ये चीज़ यहाँ फिल्टर होगी, फिल्म नेशन इस चीज़ को फिल्टर करेंगे, एंड आई होप दैट द यंगस्टर्स वुड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करो न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल।